हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कुछ नया ट्राई करने जा रहे हैं। अगर आपको भी जानना है कि हम क्या ट्राई करने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो रास्ते में गन्ने का जूस पड़ गया था, इसीलिए अभी हमारे पापा गन्ने का जूस लेने गए हैं और हम अभी पीने वाले हैं गन्ने का जूस। बहुत मुझे गन्ने का जूस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वेट करते हैं। तो हमारा गन्ने का जूस आ चुका है, अब हम इसे पियेंगे। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है गन्ने का जूस, बहुत कूल है ना। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई वो पी लियो कोल्ड ड्रिंक। बहुत ठंडा है, मजा आ गया। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हमने जूस फिनिश कर लिया है और जूस पीकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और अब हम कुछ खाने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं भगत हलवाई में। ये आगरा की सबसे पुरानी दुकान है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है सिंस 1795 भगत हलवाई। तो हमने अभी चाउमीन ऑर्डर करी थी, अभी हमारी चाउमीन आई है। अभी छोले भटूरे भी बस आने वाले होंगे। तो अभी आलम खा के देख रहा है। आलम, आपको चाउमीन कैसी लगी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आलम को चाउमीन बहुत ज्यादा टेस्टी लगी है। चलिए यार, हम भी इसे ट्राई करके देखते हैं कि कैसी बनी है। वाह, मजा आ गया। ये तो जो हम पिछले ब्लॉग में चाही थी हमने चाउमीन, उससे भी बढ़िया है। बहुत मजा आया इसे खाकर। इसमें कैप्सिकम डली हुई है, अनियन डला हुआ है, कैबेज डली हुई है, बहुत सारी चीजें इसमें डली हुई है, उसी की वजह से बहुत सारा स्वाद आ रहा है। अभी हमने समोसा मंगाया है। आलम देख, अब आलम तो अभी खाने भी लग गया। आलम, आपको समोसा कैसा लग रहा है? आलम को समोसा बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। यहाँ का एक समोसा सिर्फ आपको 16 रुपीज का मिल रहा है, वो भी प्योर घी में। अभी आप देख सकते हैं हमारे छोले भटूरे भी आ चुके हैं। ये सैलेड है और ये अचार है और ये है हमारे छोले भटूरे विथ पनीर, और इसमें पनीर भी डरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम भी इसे टेस्ट करके देखते हैं। मुझे छोले भटूरे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इंदिरा फिश पास्ता, जो अचार है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया। और जो छोले हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। छोले बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अरे खीरा खाना चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छा होता है। मैं आप शहर खाना देखता हूँ, कोई शहर नहीं अचार, शहर भी बहुत बढ़िया है। छोले भी बहुत अच्छे हैं। और भटूरे भी कितने फूले फूले हैं, आप देख सकते हैं। हमने पछता दिया लेकिन हम फूले थे। आपकी नई ब्रांच कब से ओपन है? 4 साल से। अच्छा, आपकी नई ब्रांच ओपन है और आपके यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? अच्छा, और आपके यहाँ का एड्रेस क्या है? अच्छा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको भी ऐसे वीडियो देखने हैं तो प्लीज हमारे चैनल से बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू बताना ना भूलें।